गुड मॉर्निंग क्लास वन, टेक आउट योर हिंदी बुक पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 19, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 से हमारा राष्ट्रीय ध्वज का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले डेट लिखिए, 2 जून 2020। दिन कौन सा है बच्चों? दिन ट्यूसडे है, यानी कि मंगलवार। बोलिए स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। क्लास वन, सब्जेक्ट हिंदी, लर्न द स्पेलिंग। लर्न द स्पेलिंग, ठीक है बच्चों। बोले लर्न द स्पेलिंग, यानी कि आप सबको इस स्पेलिंग को याद करना है, ठीक है बच्चों। आप सारे स्पेलिंग को अंडरलाइन कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, बलिदान, समृद्ध, हरियाली, विकास, अखंडता। बच्चों आज हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का पाठ पढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। आप बच्चों पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए और मेरे साथ इस पाठ को दोहराइए, ठीक है। बोलिए, प्रत्येक देश का अपना अपना एक ध्वज होता है। यहाँ चित्र में जो ध्वज अर्थात झंडा दिखाया गया है, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, यह क्या है? यह हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है। हमारे देश की स्वतंत्रता की पहचान है ये, हमारे देश की स्वतंत्रता की पहचान है ये राष्ट्रीय तिरंगा। यह हमारे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए यह बहुत मूल्यवान, पवित्र और आदरणीय है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। ध्वज में 3 रंग, नीचे से हरा, मध्य में सफ़ेद और सबसे ऊपर केसरिया है। हमारे इस ध्वज, बच्चों अब दूसरा पन्ना निकालिए, पेज नंबर 35, ठीक है बच्चों। बोलिए के तीनों रंगों का अपना अपना अलग संदेश है। थैंक यू।